आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश उम्मीदवार के घर से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की व्यवस्था भी बढ़ती नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वो जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। सुबह जल्दी तैयार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकलना और देर रात लौटना इन दिनों का रूटीन सा बन गया है। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी चुनाव प्रचार को लेकर काफी व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। अपने घर पर जब तक वो तैयार होते हैं, उससे पहले ही उनके घर पर समर्थकों की भीड़ उमड़ जाती है। बीकानेर से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल पिछले 15 सालों से सांसद हैं और यहां के लोकप्रिय चेहरे भी हैं। उनके सामने इस बार कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। गोविंद राम और अर्जुन राम दोनों एक ही जाति के होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अर्जुन राम मेघवाल के घर पर समर्थकों की भीड़ लगी रहती है, माहौल चुनौती का है, इसीलिए ये सरगर्मियां जो हैं ज्यादा तेज हो गई हैं। इस बार की रणनीति देखकर लगता है कि विपक्षी उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं और एनडीटीवी की टीम ने आज सुबह सुबह अर्जुन राम मेघवाल के घर का जायजा लिया और उनके साथ साथ उनके समर्थकों और करीबियों से बात भी की। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर नारसिस जैदी ने की है बात, आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर के आगे हम खड़े हुए हैं और अर्जुन राम मेघवाल इलेक्शन कैंपेन के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं और इनके यहाँ काफ़ी समर्थक सुबह से ही यहाँ आकर बैठे हुए हैं, अर्जुन राम मेघवाल से मिलने की कोशिश में हैं। बहरहाल वो अंदर तैयार हो रहे हैं और चौथी मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल और पिछले 3 मर्तबा से लगातार एमपी हैं, 15 सालों से बीकानेर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं अर्जुन राम मेघवाल। और हर बार जब भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, हर मर्तबा इन्होंने पहले से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। अर्जुन राम मेघवाल की हम बात करें तो इन्होंने अपना करियर टेलीफोन ऑपरेटर से शुरू किया था, उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए और कलेक्टर रहते हुए इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उसके बाद सीधे राजनीति में आ गए और राजनीति में पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिला और पहली ही मर्तबा इन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद लगातार 15 सालों से बीकानेर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चौथी मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल पर दांव लगाया है। चौथी मर्तबा कितने कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से अर्जुन राम मेघवाल मजबूत पोजीशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या माहौल है। अंदर भी काफी लोग बैठे हुए, हम उनसे भी बात करते हैं, बाहर भी आप देख रहे हैं। मैं सहयोगी मोहम्मद अयूब से कहना चाहूंगा कि एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी में इलेक्शन कैंपेन अर्जुन राम मेघवाल करते हैं। उन्होंने स्पेशली इस गाड़ी को तैयार करवाया है इलेक्शन कैंपेन के लिए और आप ये देख रहे हैं कि भगवा रंग में ये पूरी गाड़ी रंगी हुई है और नारे लिखे हुए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। और जो इसका फ्रंट गेट है ड्राइवर साइड का, इस पर ये लिखा है कि अब की बार 400 सीटों का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नारा यहाँ लिखा हुआ है ताकि पब्लिक मोटिवेट होती रहे। और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, मैं सहयोगी मोहम्मद अयूब से कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को यहाँ दिखाएं। और यहाँ आने वालों के लिए चाय का इंतजाम भी रखा गया है, वो एक साहब खड़े हुए हैं जो चाय लिए हुए खड़े हुए हैं और पिछले चुनावों में चाय पे चर्चा काफी पॉपुलर हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक जमाने में चाय का बिजनेस किया करते थे और वो चाय एक राष्ट्रीय पहचान बन गई है। और ये साहब चाय लिए हुए खड़े हुए हैं। अब अंदर देखते हैं कि अंदर क्या पोजीशन है। ये अर्जुन राम मेघवाल का मकान है, आप ये देखिए कि IAS सेवानिवृत्त और सांसद बीकानेर लिखा हुआ है और अंदर की नेम प्लेट पे अगर हम नजर डालें तो वहां हमें अर्जुन राम मेघवाल IAS रिटायर्ड और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री लिखा हुआ नजर आता है। ये पूरा इलाका उनका है और
आप देखें कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं। अर्जुना मेघवाल अभी घर के अंदर हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद वो पब्लिक के बीच में आएंगे। तब तक हम बात करते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो इन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। काफी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी से चौथी मर्तबा बीकानेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ मोहन सुराणा बैठे हुए हैं, ये सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या पोजीशन है मोहन जी? बिल्कुल बढ़िया पोजीशन है। देखो, जो मोदी जी ने पूरे देश के अंदर विकास के काम किए, और सबसे बड़ी जो भारत की इकोनॉमी हमारी 10वें नंबर 11वें नंबर की, और उसको 5 नंबर पर लाना अपने आप में पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और विपक्ष मरा हुआ पड़ा, विपक्ष पास कुछ मुद्दा नहीं है, और मोदी जी जो देश के अंदर विकास कार्य करा रहे हैं और विश्व के अंदर भारत का नाम जो ऊंचा हो रहा है, उसको लोकसभा के अंदर जो हम 400 पार का नारा दिए, हमारी पार्टी निश्चित रूप से पूरा होगा। और मैं कह सकता हूँ बीकानेर के अंदर पिछली बार से बड़ी जीत अर्जुन राम जी की होगी। राजस्थान के अंदर 25 से 25 सीटें आने वाली है। मान लो कोई कल्पना करता है कि वोट किसको दें, मोदी जी के अलावा वोट देने का कोई रास्ता नहीं है। जो एक भानुमति का कुनबा बना वो भी आधा टूटा हुआ पड़ा है। तो विपक्ष के पास न तो मुद्दा है और न उनके पास और कोई साधन है। वो सिर्फ दौड़ भाग जरूर कर रहे हैं। बाकी मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, भारत की पूरी जनता पूरे जोर से तीसरी बार मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी और मोदी जी का शासन लाएगी। पिछली मर्तबा क्या मुद्दे थे और इस मर्तबा क्या मुद्दे हैं? खास तौर से हम बात करें लोकल लेवल की, बीकानेर लेवल की। पिछली बार भी जो बड़ा मुद्दा था वो विकास को लेकर था, और इस बार भी वही है। जो 5 साल के अंदर बीकानेर के अंदर विकास हुआ, सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा रेलवे स्टेशन का, भारतमाला का, एयरपोर्ट का, मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं। और जो क्रूड ऑयल नाल के अंदर सालासर गांव में मिल रहा है, लगभग मिल चुका है, ये बीकानेर के लिए विकास के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जिस गंतव्य स्थान के लिए जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, उस गंतव्य स्थान में हम 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो इससे बड़ा विकास क्या कार्य क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में बीकानेर का रेलवे स्टेशन बड़ी सिटियों के अनुरूप और उससे बड़ा एक रेलवे स्टेशन होगा, उससे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। हम कह सकते हैं कि बीकानेर भी विकास के अंदर निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्या इश्यूज हैं इन इलेक्शन में? और अर्जुन राम मेघवाल जो पिछले 15 सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीकानेर को, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, अर्जुन राम जी को पूरा में से पूरा 100 में से 100, और अर्जुन राम जी बहुत लोकप्रिय 3 बार सांसद रह चुके हैं। और बीकानेर के मैं तो बोलूंगा कि विकास पूर्व से उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किए, विशेषकर जब एक कानून मंत्री होता है देश का, तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये देश के लिए किए हैं तो हमारे लिए शायद कम है, वैसा नहीं है, बहुत कुछ किया है। मैं जैसे अगर ट्रेनों की बात करूँ तो पूरे चारों डायरेक्शन में भारतवर्ष के यहाँ से ट्रेनें चलनी शुरू हो गई, बिजलीकरण हुआ है, यूनिटेज हुआ है, और भी कई सारे ड्राईपोर्ट में आने की संभावना है। और मुझे निश्चित रूप से ये पूरा है कि भरोसा के अर्जुन राम जी के समय आपके फाटकों की समस्या जो काफ़ी समय चल रही वो भी खत्म हुई एकदम। और एक उन्होंने अनूपगढ़ बीकानेर के लिए रेलवे लाइन का भी संकल्प पत्र में डाला है, और वो रेलवे लाइन आने वाली है। तो क्षेत्र में 75 वर्ष बाद ऐसे ऐसे विकास आ रहे हैं, और हमारे देश के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, विश्व में प्रसिद्ध है, देश में प्रसिद्ध है, उनके लोकप्रिय होने की वजह से जनता सब उनके नाम से। अर्जुन राम जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? पूरे में से पूरे अर्जुन राम जी को जी। वो मैंने आपको बोला बीकानेर का विकास पुरुष है जी। और जनता का मिलने का दुख, अभी मिलेंगे तो आप हर आदमी के पास जाकर मिल सकता है, अपना दुख बता सकता है, अपना खुशी जाहिर कर सकता है, ऐसे नेता हमने बार बार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक खास बात है अर्जुन राम मेघवाल की, वो आम आदमी को बहुत ही सहज रूप से उपलब्ध है, कोई भी आदमी कभी भी उनसे मिल सकता है, ये एक खास बात है। और बीकानेर की पब्लिक इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती है। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, 15 सालों के कार्यकाल रहा है अर्जुन राम जी का, 15 सालों के कार्यकाल को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, विकसित हो रहा राजस्थान, विकसित हो रहा भारत के साथ साथ बीकानेर का विकास हो रहा है, ये दृष्टिकोण है हमारा। और इसमें आप क्या है,
जो बीकानेर पहले था, आज हम कहीं भी जाते हैं भारत माला देखिए। हमारे यहाँ के पगड़ी वाले केंद्रीय मंत्री है, जो संपूर्ण भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। जब कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो बड़े फख्र के साथ में कहते हैं कि हम बीकानेर से आए हैं। अच्छा, वो पगड़ी वाले, तो उस दृष्टिकोण से भी हमारी पहचान है। सांस्कृतिक अभ्युदय जो हो रहा है उसकी प्रतिमूर्ति है अर्जुन राम जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विकास की दृष्टि से देखते हैं, भारतमाला का प्रोजेक्ट आप देखिए, आज जहां हमको इतना समय लगता था उसकी बजाय आज हम घंटे डेढ़ घंटे में कहीं भी पहुंचते हैं। तो उस दृष्टि से हमारा जो विकास हो रहा है, और जहां भारतमाला जैसी सड़कें आती है तो आवागमन के साधन बढ़ने के साथ साथ में रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, और लोगों के आवागमन से होने से सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता है। तीसरा बिंदु देखते हैं, हमारे स्टेशन देखिए, क्या आज तक कभी किसी ने इस बात पे विचार किया? जब तक हम आवागमन के यातायात के साधनों का विकास नहीं करेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य तक हमारा वैचारिक दृष्टिकोण में आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक हम इस राष्ट्र को क्या किसी को भी नहीं समझ सकते। आज आप मेरे से संवाद कर रहे हैं तो वैचारिक आदान प्रदान हो रहा है ना, इसी का सबसे बड़ा है। और यही बात है कि विकास की दृष्टि से बीकानेर आगे बढ़ रहा है। सुधा जी, कितने नंबर देना चाहेंगे आप अर्जुन राम जी? 100 to 100 देना चाहेंगे। आई वाज प्रिंसिपल, सो आई कैन से दैट अर्जुन राम इज द फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये सुधा आचार्य है, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और ये 100% नंबर अर्जुन राम मेघवाल को देना चाहेंगी। विकास पुरुष बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल को कहा जाता है, और काफी अच्छी इमेज रखते हैं। 15 सालों में जो आमतौर पर यह होता है कि हमेशा इमेज कम होती जाती है, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल की इमेज लगातार बनती रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या तैयारियां चल रही है। अभी तक आए नहीं है अर्जुन राम मेघवाल, अंदर तैयार हो रहे हैं। अभी ये मेन गेट है अर्जुन राम जी के घर में जाने का, हम एंटर होकर देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर भी शायद काफी लोग इंतजार में बैठे हैं, यहाँ भी काफी लोग बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल तैयार होके आए, और कितने नंबर देना चाहेंगे अर्जुन राम जी को पिछले 3 कार्यकालों को देखते हुए? 100 में से 100। जनता के बीच रहे, विकास कार्यों में कभी पिछड़े नहीं रहे, खूब बजट लाए, और किसी के भी कार्यकर्ता या आम जनता के सुख दुख के लिए हर पल हर घड़ी माननीय अर्जुन राम जी तैयार रहते हैं। लोगों से मुलाकात भी हो रही है, दिन भर का शेड्यूल भी तय हो रहा है, बीच में अगर कोई फोन आ जाए तो उस पर भी बात करना पड़ता है। तो मालूम ये होता है कि कितनी बिजी लाइफ है, कितना बिजी शेड्यूल है। इलेक्शन जब होते हैं तो जो भी सियासतदान है उनकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। अब बाहर आ चुके हैं, पूरी तरह तैयार हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए जाने के लिए। देखिए, विकास और सुशासन ये दो ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का ये जो कालखंड है 14 से 24 वाला, इसमें विकास की रफ्तार भी तेज हुई है, सुशासन भी नागरिकों के जीवन में तेजी से आया, तो इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है हर वर्ग को, किसान वर्ग को, गरीब वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, हर वर्ग को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने शासन बहुत अच्छा किया, इनको रिपीट किया जाना चाहिए, ऐसे भावना पूरे क्षेत्र में मुझे देखने को मिल रही है। चौथी मरतबा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं बीकानेर से, 3 मरतबा 15 सालों से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीकानेर को, चौथी मरतबा प्रायोरिटीज क्या रहे? प्रायोरिटी विकास, भारत को विकसित भारत बनाना। और एक आखिरी सवाल, जब बीकानेर की आवाम ये कहती है कि हमारे एमपी का चेहरा देखते दिल खुश होता है, मुंडो देखते जी सोरो हुए, आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगे, धनक लगे, ठीक है। इन ज्यादा बढ़िया बात कहीं हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ है, जो 3 कार्यकाल से बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आवाम किस तरह से इनके साथ अटैच है, और अब ये निकल रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, और हर बार की तरह मुद्दा वही है, विकास विकास विकास। एनडीटीवी के लिए सहयोगी मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।